Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss the appreciation of Standard 10th poem, Where the Mind is Without Fear. This poem is written by the very famous Nobel Prize winner, Rabindranath Tagore. Also, Rabindranath Tagore jo the, wo first non-European person the jinko Nobel Prize mila tha. सो जो पोएम है बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक फिलोसफी लिखी है उनको कैसा इंडिया चाहिए वो इंडिया को कैसा देखते हैं. ऑल्सो इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड से प्रे किया है कि वो इंडिया को कैसा बनाए. द पोएम रविंद्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड सिर्फ फ्रीडम यानी कि वो तीन टाइप के फ्रीडम की बात कर रहे हैं. तीन चीज़ों की फ्रीडम इंडिया में होनी बहुत ही ज़रूरी है. ध्यान देने वाली बात ये भी है स्टूडेंट्स कि ये जो पोएम था वो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं एंड आपको उन पॉइंट्स को कंसिडर करके ही एप्रिसिएशन लिखना होता है, ना कि पॉइंट वाइज आपको एप्रिसिएशन लिखना होता है. यू हैव टू राइट द एप्रिसिएशन इन पैराग्राफ फॉर्म जैसे कि इस PDF में आपको प्रोवाइड किया गया है. स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप थोड़ा सा इंक्रीज कर ले जिससे आपको वर्ड्स क्लियर दिखने लगे. सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे. द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ दिया है आप उस तरीके से भी लिख सकते हो. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ. अभी जो पोएम है इट इज़ अ प्रेयर टू गॉड इन विच टैगोर एड्रेसेस गॉड एज माई फादर. ऑल्सो पोएम में कई बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड को दी बोला है. ओल्ड इंग्लिश में दी यानी कि गॉड को रिफ़र किया जाता था. एंड आस्क हिम टू अवेक हिज कंट्री इन टू द हेवन ऑफ फ्रीडम. भगवान से वो प्रे करते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हेवन ऑफ फ्रीडम बन जाए. वेयर देयर इज टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थाट्स. अच्छे थाट्स हो लोगों के मन में, गुड वर्ड्स हो, अच्छे शब्द हो बोलने के लिए सुनने के लिए, और अच्छी एक्शन हो, लोग अच्छे काम करें. ही विशेस फॉर अ कंट्री वेयर पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम फियर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के मन में किसी तरीके का डर उनको नहीं चाहिए. इंडिया ऐसा हो, हमारा कंट्री ऐसा हो जिसमें कोई किसी से ना डरे. वेयर नॉलेज वुड बी फ्री टू ऑल द इंडिविजुअल्स. ही टॉक्स कि इस हमारे कंट्री में इस पोएम के थ्रू कि फ्रीडम होनी चाहिए नॉलेज का, हमें नॉलेज फ्री में मिलनी चाहिए. And people from all caste and religion should be united, which is very important for a country to progress. किसी भी caste religion के basis पे किसी भी तरीके की विवाद ना हो, लोग मिलजुल के रहे, unity रहे, तो ही हमारा देश अच्छे से आगे बढ़ सकता है. The poem is written in free verse. So as you have might gone through the poem, you have realized that the poem is a free verse. Free verse यानी कि किसी भी तरीके का rhyming स्कीम या राइमिंग वर्ड पोएम में यूज़ नहीं किया है. तो पोएम में ना सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर फ्रीडम की बातें कर रहे हैं बट उन्होंने फ्रीडम दिखाया भी है किसी तरीके का वर्ड्स यूज ना करके. फिगर ऑफ स्पीचेस लाइक रिपीटेशन, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन आर यूज टू गिव मोर पोएटिक इफेक्ट्स. तो मेजर इसमें तीन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, रिपीटेशन, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. Where tireless striving stretches its arm towards perfection, here the poet personified tireless striving stretching its arm to its goal. तो यहाँ पर poem ने ये जो कोशिश है, कोशिश को personify किया है कि वो जो कोशिश है वो अपने arms को stretch कर रही है perfection की तरफ. अब ये तो एक thought है, एक idea है, इसके पास तो arms होंगे नहीं, तो human beings की quality उसको दी गई है, दैट इज़ वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन. अब पोएम का हम स्पेशल फीचर देखेंगे. द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम इज़ एन इमोशन इट कन्वेज एंड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द पोएट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारे इंडियंस के सारे इमोशंस दिखते हैं कि हमें फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट थी और अभी भी हमारे लिए फ्रीडम कितना मायने रखता है. एंड ऑल्सो हम सब चाहते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो प्रोग्रेस करे, वर्ल्ड में सबसे टॉप पहुंचे. इट इज़ एन एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर. तो
तो पोयम देशभक्ति के बारे में है और इसको प्रेयर के फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कि कोई भगवान से प्रे कर रहा हो। इट इज़ पोयम ऑफ होप, उम्मीद। द पोएट यूजेस मैनी मेटाफर्स टू एलिब्रेट दैट द इविल्स एग्जिस्ट इन आर कंट्री। तो पोएट ने पोएम में कई जगह पर हमें बताया है मेटाफर के थ्रू, इनडायरेक्ट कंपेरिजन के थ्रू, कि अभी भी हमारे कंट्री में किसी ना किसी तरीके का इविल चल रहा है। इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमेजरी। तो पोएम में पोएट ने पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमेजिनेशन हमें बताया है। पोएम के फेवरेट लाइन्स, तो यहाँ पर आप डिफर कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट लाइन है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, यानी कि जहाँ पर सिर ऊँचा रहे। आई लाइक द लाइन बिकॉज देर आर वेरी पॉजिटिव इमोशंस इन दिस लाइन, शोइंग फियरलेसनेस, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इस लाइन में जो कहा गया है कि हम ऐसे जगह रहने चाहिए कि जहाँ पर हमारा माइंड किसी भी तरीके के डर में ना हो और हमारा सिर ऊँचा रहे, तो ये लाइन शो करता है कि पहली बात तो हम फियरलेस हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हमारे अंदर डिग्निटी है एंड ऑल्सो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई लाइक दिस पोएम। अब हमें पोएम क्यों पसंद है? बिकॉज इट डिस्प्लेस टैगोर्स मेटाफरिकल स्केच एंड द डिस्पर्टी बिटवीन द प्रेजेंट टाइम एंड द प्लेस एंड द फ्यूचर वेयर द पीपल आर ट्रूली फ्री। तो यहाँ पर जो एक मेटाफर करके उन्होंने जो कंपैरिजन किया है, उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने मिलता है एंड ऑल्सो ये बताता है कि नियर फ्यूचर में हमें कैसी इंडिया की तलाश होनी चाहिए। इट इज़ सिंपल डीप सेंसिटिव पोएम दैट कैरीज यूनिवर्सल अपील फॉर पीस एंड हार्मनी। तो ये पोएम एक ऐसा पोएम है जहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि पीस और हार्मनी से रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एट लास्ट स्टूडेंट्स, यू कैन राइट योर ओन ओपिनियन ऑल्सो कि आपको पोएम में क्या और अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। So this was appreciation of 10th standard poem. I hope you like the video. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन आंसर्स की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स एज क्विक एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।